जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के कोकेर नाग में आतंकियों से लंबी खींची मुठभेड़ ने हमें यह मानने को मजबूर कर दिया है कि इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास के बाद भी स्थितियां अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है। यही प्रदर्शित करना पाकिस्तानी सत्ता और विशेष रूप से उसके डीप स्टेट की मंशा भी है। कोकेर नाग कोई सीमा क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की सीमा से लगभग 150-200 किलोमीटर अंदर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। आतंकियों को यहाँ आने के लिए सीमा के आगे पूरा राजौरी जिला पार करना पड़ा होगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे 44 के पश्चिम में 40 किलोमीटर और अंदर आने पर कोकरनाग वन क्षेत्र प्रारंभ होता है। स्पष्ट है कि पाकिस्तान की आतंकी संरचना और स्थानीय सहयोग बरकरार है। अनंतनाग में मुठभेड़ के बीच उड़ी सेक्टर में भी सीमा पार करने का प्रयास करते 3 आतंकी मारे गए। पिछले 10 दिनों में सीमा पार से घुसपैठ के कम 5 प्रयास सुरक्षा बलों ने असफल किए हैं। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड सक्रिय हैं। पाकिस्तान जैसे जैसे विदेशी सहायता के सहारे अपने आर्थिक संकट से निकलता दिख रहा है, वैसे वैसे वह पहले की तरह कश्मीर को अशांत करने में जुट रहा है। खबरें हैं कि सीमाओं पर सख्ती के बाद आतंकियों के आने के नए रास्ते पंजाब और नेपाल से बन रहे हैं। पाकिस्तान हथियार और बारूद ड्रोन के माध्यम से भेजकर आतंकी गतिविधियों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। वित्तीय व्यवस्था के लिए ड्रोन से ड्रग्स की तस्करी आतंकी नेटवर्क का बड़ा सहारा है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले भी आतंकियों की घुसपैठ के अनेक प्रयास हुए, लेकिन सीमा रक्षकों की सजगता ने कुछ होने नहीं दिया। इस बार आतंकी कोकरनाग के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने में सफल हो गए। एक और परिवर्तन ध्यान देने योग्य है। पीर पंजाल के पर्वतीय सीमांत और आंतरिक क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी है। आतंकियों के निशाने पर अब सुरक्षा बल हैं। उनके लिए कश्मीर घाटी में ही हमला करना आवश्यक नहीं है। यह भी प्रतीत हो रहा है कि आतंकी संगठनों के नेटवर्क का विस्तार पहले जैसा ही है। सवाल समस्या के समाधान का है। आखिर कब तक यह सब चलने वाला है? आज़ादी के आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने मजहब आधारित राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया। उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। मूलतः इस विचार के प्रणेता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। इस विचार तंत्र को अंग्रेजी सत्ता की बैसाखियां मिली। कांग्रेस इस पाकिस्तानी विचार के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सकी। इस तरह विश्व का पहला मजहब आधारित देश पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। चूंकि महाराजा हरि सिंह का कश्मीर क्षेत्र मुस्लिम बहुल था, इसलिए वह पाकिस्तान का निशाना बना। जम्मू कश्मीर का 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में 1947-48 से चला आ रहा है। यह यथास्थिति इसलिए है क्योंकि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने कभी भी उसे बदलने का प्रयास नहीं किया। यह वह क्षेत्र है जो अनायास हुए युद्ध विराम के कारण भारत के पास आने से रह गया। वास्तव में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कोई रुचि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की नहीं थी। जब भी उन्हें पाकिस्तान से वार्ता का अवसर मिला, उन्होंने युद्ध विराम रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। कश्मीर को पाकिस्तान अपने अस्तित्व की आधारभूत शर्त मानता है। भारत पाकिस्तान की तरह जम्मू कश्मीर को भी विभाजित करने की भारतीय नेताओं की मानसिकता ने समस्या के समाधान में भारतीय पक्ष को कमजोर ही किया। अहिंसा की कोख में पले नेताओं में रणनीतिक सोच, भू राजनीतिक ज्ञान और पाकिस्तान के मजहबी लक्ष्यों की समझ के अभाव ने हमारे नेतृत्व को कश्मीर समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकने का कोई अवसर ही नहीं दिया। वे कश्मीरियत की बात करते रहे और पाकिस्तान अपना आतंकी मजहबी नेटवर्क सशक्त करने में लगा रहा। हमने कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए नया वैकल्पिक जमीनी नेतृत्व खड़ा करने के बजाय परिवारवादी नेताओं के भरोसे हवाई हल तलाशने में बड़ा समय बर्बाद किया। हमारी हर कोशिश तुष्टीकरण की चौखट पर आकर दम तोड़ देती रही। इसमें संदेह नहीं कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू कश्मीर में चतुर्दिक गुणात्मक परिवर्तन आया है।
आतंकी गतिविधियों में 2016 से 19 की तुलना में 2019 से 22 में 32% की कमी आई है। सुरक्षा बल सुरक्षित हुए हैं, उन्हें जन सहयोग भी बहुत मिल रहा है। इसके बाद भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मजहबी पाकिस्तान भविष्य में भी हमारे लिए कश्मीर संकट का कारण बना रहेगा। पाकिस्तान जो बना ही है मजहब के लिए, यह आशा नहीं की जा सकती कि वह कभी पंथ निरपेक्षता को समझेगा। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को अपना लक्ष्य बनाए रखेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं, जो कश्मीर समस्या के सैन्य समाधान के विकल्पों को सीमित कर देते हैं। अफगानिस्तान में काबिज तालिबान एवं तहरीक तालिबान, पाकिस्तान की सक्रियता, बलूचिस्तान की आंतरिक अस्थिरता, पाकिस्तान की आर्थिक स्थितियाँ और क्षेत्रीय इस्लामिक शक्ति संतुलन पर बहुत कुछ निर्भर है। इस संघर्ष में यदि पाकिस्तान का विखंडन हो जाता है तो कश्मीर ही नहीं, बहुत कुछ निपट जाएगा। कश्मीर इस खतरनाक खेल में एक छोटा सा मोहरा है। हमारा दायित्व है कि जैसे भी हो कश्मीर को उस पार के विषाक्त जिहादी वातावरण से बचाए रखकर वहाँ सकारात्मक एवं विकासोन्मुख माहौल बनाए रखें। इस दिशा में निश्चय ही हमें कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद से आशातीत सफलताएं मिल रही हैं। कश्मीर विवाद हमें नेहरू जी की विरासत में दिए गए, नेहरू के बाद उनके वारिसों ने समाधान की कोशिश में हालात को बिगाड़ा ही, अब उसे सुधारना वर्तमान नेतृत्व के कंधों पर है।